Assalamualaikum viewers, आज मैं आप लोगों के लिए जिंगर बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने 1 केजी चिकन बोनलेस लिया है, जिसको मैंने 1 कप वाटर एंड 1 टेबल स्पून विनेगर एंड 1 टेबल स्पून सॉल्ट में सोक करके रखा है। ये मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर सॉल्ट डाला था, और ये जो मैं आपको कप दिखा रही हूँ, मैंने इसकी मेजरमेंट से वाटर लिया था। दिस इज़ द विनेगर जो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाला है, और आपने इसको तकरीबन आधा घंटा सोक करके रखना है। आफ्टर 30 या 15 मिनट्स, डिपेंड अपॉन कि आप कितना इसको सोक करके रख रहे हैं। मैंने इसको जो है रिंस आउट कर लिया है, इसका जो भी पानी था वो मैंने वेस्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये जो बोटियाँ हैं वो बिल्कुल मैंने ड्राई सी कर ली हैं। आप चाहें तो आप इसको टिश्यू से भी और किचन टॉवल से भी टैप कर सकते हैं, और इस तरह से फिर इसके बाद मैंने इस पर कट्स लगा लिए। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 3 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर, अराउंड 4 टेबल स्पून योगर्ट, 1/4 टेबल स्पून पानी आप अपने हिसाब से ले लीजिए मिक्सचर तैयार करने के लिए। अब हम मैरिनेशन मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बाउल में योगर्ट ले ली है, और मैं उसके अंदर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी जो कि चिकन टिक्का मसाला और गार्लिक पाउडर है, और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। पानी हम इसलिए ले रहे हैं कि अगर हमारा मिक्सचर बहुत ज़्यादा थिक हो जाए तो फिर हम उसको अपने हिसाब से अपनी कंसिस्टेंसी पे लाने के लिए हम उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आपको थिक बैटर चाहिए तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा मैरिनेशन मिक्सचर तैयार हो गया है। मैंने इसके अंदर अपने हिसाब से अपनी मेजरमेंट से 2 टेबल स्पून पानी भी डाला था, क्योंकि मुझे जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो लाने के लिए पानी डालना ज़रूरी था। इट डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आपको थिक चाहिए तो आप पानी मत डालें, और अगर आपको पतला रखना है तो आप पानी डाल सकते हैं। अब हम अपने चिकन को मिक्सचर के अंदर कोट करेंगे, और यहाँ पर इसको हम इसके अंदर जो हमने मिक्सचर तैयार किया उसमें हम डालते जाएंगे। जिस बात का हमने मैरिनेशन में ख्याल रखना है वो ये है कि जो आप जिस बाउल में चिकन को डाल के मिक्सचर के साथ रख रहे हैं वो आपका बाउल साइज़ में बड़ा होना चाहिए। अगर आप छोटे बाउल में ये काम करेंगे तो आपकी मैरिनेशन अच्छे से नहीं होगी। अब हम अच्छी तरह चिकन को इसके अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए आपको अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ योर हैंड आप अच्छी तरह हर पीस को मिक्सचर में कोटेड करेंगे। ये काम आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट्स तक करना है, एंड मेक श्योर कि हर पीस अच्छे से कोटेड हो जाए। यहाँ पे हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है, और आप देख सकते हैं कि चिकन बिल्कुल मिक्सचर के अंदर, और मिक्सचर को अपने अंदर कम्प्लीटली चिकन ने सोक कर लिया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप बड़ा बाउल लें ताकि आपको मैरिनेट करने में आसानी हो। अब मज़ीद हम इसको आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है हम अपना एक सॉस तैयार करेंगे, जिसको हम फिंगर लिकिंग गुड सॉस कहते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून मायनीज लिया है, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप ली है, एंड 1 टीस्पून हॉट सॉस लिया है, एंड 1 पिंच गार्लिक पाउडर, एंड 1 पिंच हमने ब्लैक पेपर ली है। आपको जितना बनाना हो आप उतने क्वांटिटी के हिसाब से इसको बना सकते हैं। मुझे यहाँ पे जितनी ज़रूरत है मैं उस हिसाब से बना रही हूँ, एंड जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई है कि 3 टेबल स्पून मायनीज, 1 टेबल स्पून केचप एंड 1 टीस्पून हॉट सॉस, सो इट इज़ अ परफेक्ट मेजरमेंट। अच्छा, हमने इसमें सॉल्ट नहीं डाला, और हम सॉल्ट डालेंगे भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं जो कि सॉल्टेड होते हैं। यहाँ पे हमारा फिंगर लिकिंग गुड सॉस रेडी, और आप देख सकते हैं कि इसका कितना खूबसूरत पिंक कलर आया है, एंड टेस्ट में भी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मार्केट में होता है। अब हमने चिकन को कोटिंग देनी है, तो उसके लिए यहाँ पे हसबे ज़रूरत मैंने मैदा लिया है, और बिल्कुल चिल्ड बर्फ़ वाला पानी लिया है।
आपने बिल्कुल भी मैदा लेने में कंजूसी नहीं करनी है, बिल्कुल आपने दिल खोलकर मैदा लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मैदा लेंगे उतनी ही अच्छी कोटिंग होगी। नाउ इट्स टाइम फॉर द कोटिंग। आपने बहुत अच्छे से देखना है कि मैं किस तरह से कोटिंग कर रही हूँ। एक बात याद रखिएगा, कोटिंग करने में जो चीज़ मेजर रोल प्ले करती है वो है आपकी हैंड की मूवमेंट। आप जितना अच्छा अपने हैंड की मूवमेंट को रखेंगे, आपकी जो चिकन है वो उतनी ही अच्छी कोटेड होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरह से बैक एंड फोर्थ अपने हैंड की मूवमेंट कर रही हूँ, और अभी हम फर्स्ट कोट लगा रहे हैं, तो उसमें ही आपने बहुत अच्छे से अपने हैंड को मूव करना है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 minutes। एंड आफ्टर 4 to 5 minutes आपका चिकन ऐसा लगे। अभी हमारी फर्स्ट कोटिंग कंटिन्यू है। एक्चुअली फर्स्ट कोटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो आपने मैरिनेशन करी है वो चिकन पे से उतरे ना। और देखें आप, इस तरह के फर्स्ट कोटिंग के बाद इस तरह के फ्लेक्स बन जाएंगे। उसके बाद आपने इसको फॉर 4 to 5 seconds आपने इसको चिल वाटर में सोक करना है, और फिर आपने इसको निकाल लेना है। एंड अगेन आपने इसको अपने जो आपका मैदा है आपने उसके अंदर इसको कोट करना है। ये जो आपके फ्लेक्स बनेंगे ये आपके हैंड की मूवमेंट से बनेंगे। आप जितने अच्छे अपने हैंड को मूवमेंट देंगे आपका उतना ही अच्छा चिकन कोट होगा, और उतना ही अच्छा आपके फ्लेक्स बनेंगे, और उतना ही क्रिस्पी भी बनेगा। यह आपने काम अराउंड 2-3 minutes तक करना है। आफ्टर सेकेंड कोटिंग योर चिकन विल लुक लाइक दिस। यहाँ पर मैंने तेल गरम होने रख दिया था, और अब मैं इसके अंदर अपने चिकन पीसेस जिनको मैंने कोट किया है वो मैं फ्राई करूँगी। 5 minutes तक आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चिकन को। आफ्टर 5 minutes आप इसको जो है इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम मीडियम टू लो रखी है। अब आपने 5 मिनट एक साइड को करना है, एंड नेक्स्ट 5 मिनट्स आपने नेक्स्ट साइड को करना है, और उसके अप्रॉक्सीमेटली टोटल 10 मिनट्स में आपका चिकन रेडी हो जाएगा। 10 मिनट्स के बाद हमने अपने चिकन को निकाल लिया है। नाउ इट इज़ लुकिंग लाइक दिस। ट्रस्ट मी, इट इज़ जस्ट एज क्रिस्पी एज द वन यू गेट फ्रॉम द मार्केट। और बिल्कुल इसी तरह बाज़ार की तरह क्रिस्पी है और बहुत अच्छा बना है। और यहाँ पर हमने अपने नेक्स्ट पीसेस को भी फ्राई करने के लिए रख दिया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा असेंबलिंग का, मतलब बर्गर मेकिंग स्टेप है। यहाँ पर मैंने डॉन के बन लिए हैं, और मैं इसकी अच्छी बात आपको ये बताऊं कि ये ऑलरेडी कटेड है, मतलब मुझे इनको कट करने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम बेस पर मैं सबसे पहले अपना FLG सॉस लगाऊंगी, और उसको इवनली आप स्प्रेड कर लें। आपको जितना पसंद है आप उतना लगा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास चॉप्ड कैबेज है जो कि मैं यहाँ पे फॉर द पर्पज़ ऑफ सैलड यूज़ करूँगी। आपको जो अच्छी लगती है, आपको ककम्बर अच्छा लगता है, इसके अलावा लेटस है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे फ्राइड चिकन है जिसमें से मैं एक पीसेस के ऊपर रख दूँगी। असेंबलिंग टोटली आप लोगों पे बेस्ड करती है कि आप लोग किस तरह से उसको असेंबल करना चाह रहे हैं। आप कौन से सॉसेज यूज़ कर रहे हैं, चीज़ यूज़ कर रहे हैं, या आपके जो पास जो अवेलेबल है आप उससे असेंबल कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने मज़ीद इसके ऊपर थोड़ी सी कैबेज रखी है, एंड टॉप बेस पे मैं फिर से अपना FLG सॉस लगाऊंगी और उसको स्प्रेड कर लूँगी। Now it is completely done. हमारा बर्गर रेडी है, एंड यू कैन सी द क्रिस्प। इट इज़ जस्ट लुक लाइक द वन वी गेट फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स। एंड ट्रस्ट मी, इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको रेस्टोरेंट्स में मिलता है।
क्रिस्पी क्रंची जिंगर बर्गर्स आर रेडी। आप इनको फ्रेंच फ्राइज के साथ, कोल्ड स्लॉ के साथ और कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो मैंने आपको ट्रिक्स और टिप्स बताएं उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका भी जिंगर बर्गर इतना ही टेस्टी, जूसी और क्रिस्पी बनेगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।